फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बस मैं अभी नहा के निकली हूँ, सुबह के बज रहे हैं, 10:30 होने वाले हैं। तो अभी राखी आई नहीं है तो वो घर के काम करेगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है, ये है नारियल पानी और ये 2 वड़े, कोकोनट की चटनी और सांवर। बस मैंने कारण पूरी नहीं ली है क्योंकि मुझे मतलब सांवर में ही इतना तीखापन है तो मुझे उतना पसंद है नहीं। और मैं आपको बैल्कनी दिखा देती हूँ, जो मैं आपको बोल रही थी। देखिए क्या हाल हो रहा है फिर से बैल्कनी का। ये लोग फिर से नेटवर्क लगा दिया इन लोगों ने, पता नहीं ये कब तक काम खत्म होगा। ये तो एक हेडेक ही बन गया है काम। और बस यही सुबह के काम है, फिर मैं दोपहर का खाना पीना बनाऊंगी, उसके बाद विहान आ जाएगा। तो मैं धीरे धीरे आपसे मिलती रहूंगी। तो मैं नाश्ता स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं आपको भी खिला देती हूँ। तो ये लीजिए आप सांवर बड़ा, और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। ये नारियल की चटनी। तो यहाँ मैं ले जा रही हूँ अरुण जी की चाय, और ये आज मार्केट से लाए थे मिनी डोनट्स। तो ये एक डार्क चॉकलेट के हैं, एक वेनिला फ्लेवर है इनका। तो ये वेहान को बहुत पसंद है, काफ़ी दिनों से बोल रहा था, तो बस उसी के लिए ले आए हैं। और अब मैं चाय लेके जा रही हूँ इनके पास। ये देखिए मैंने किचन का फैन चला दिया है, और यहाँ जो बर्तन मैंने रखे हुए थे ये सब सूख जाएंगे फैन से। तो मतलब मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी देर तक बर्तन रखे नहीं रहने पड़ते हैं। और इस साइड मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी हैं क्योंकि अरुण ऑफिस चले गए हैं, विहान स्कूल चला गया है। और यहाँ मैंने बैल्कनी जो गंदी हो रखी थी, जो काम चल रहा था, तो उसके लिए ये आंटी को बुला लिया है सफाई करने के लिए। सारे पेड़ पौधों में सीमेंट घुस चुकी है, तो ये एक एक कर करके सफाई कर रही हैं। और इनसे मैंने कहा है कि ये रेलिंग पे भी हाथ मार दें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी बाल्टी और कपड़ा दे दिया है इन्हें। ये देखिए, तो अब देखो बहुत टाइम लगाती हैं सफाई करने में, पर सफाई अच्छी करती हैं। तो टोटल हमारे घर में 5 बैल्कनी है, तो देखो इन्हें कितना टाइम लगता है। मैंने इनसे बोला तो है कि अच्छा, क्योंकि काफ़ी सीमेंट वीमेंट से एकदम मतलब ख़राब हो जाती है, हाथ रखो तो बिल्कुल सीमेंट हाथ में आती है, तो वो सही नहीं लगता। तो मैंने कहा आप ये क्लीन कर जाओ। और ये देखिए आप गुड़गांव सिटी का नज़ारा, पूरा एकदम ऐसे रोड चलती हुई नज़र आएगी आपको, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। विहान ने देखो पूरी रजाई की क्या हालत करी है पीछे है। और आप कहाँ जा रहे हो जूते वूते पहन के? अरे बताया नहीं, पार्क। पार्क जा रहे हो? हाँ। ठीक है, पर तुम्हारे फ्रेंड्स का तो फोन नहीं आया कोई? मैं कॉल कर दूंगा। कॉल करके फिर जाओगे? और हैंड क्लीन करना क्योंकि जूते छू रहे हो ऐसे बुरी तरीके से। बाद में कर लूंगा। एक जूते पहन के टेढ़ा पैर कर रखा है। चलो ठीक है, और टाइम पे आ जाना, ठीक है? अब की बार नो मस्ती, ओके? है ना? और वहां पे फ्रेंड से प्यार से खेलना, कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं करेगा, ओके? ठीक है, जल्दी जाओ, हैंड वॉश कर लो पहले, क्योंकि शूज छुए हैं ना आपने। हाँ, आराम से पहनो, पहले पूरा खोल लो इसको। हाँ, ठीक है, आराम से पहन लो, चलो जाके आओ, है ना? देखते हैं क्या क्या मंगवाया है मैंने स्विगी से। तो ये खुलना तो बहुत मुश्किल है, इसे काटना पड़ेगा, तो मैंने सोचा आसानी से इसको फाड़ देती हूँ मैं। हाँ, तो बहुत सारे मुझे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये है गूज़बेरी, थोड़ी खट्टी नज़र आ रही है मुझे। इसे हम लोग बचपन में रसबरी भी बोलते थे, रसबरीज है ये। तो ये एक है, ये निकले हैं अंगूर, ग्रीन ग्रेप्स, और क्या है और क्या है, पहले मैं फ्रूट्स दिखा देती हूँ ना आपको। ये हैं, ये नागपुरी संतरे, ऑरेंजेस। तो ये नागपुरी संतरे हैं, और ये है डिब्बे में अच्छी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग करके दिया है इन्होंने। इसको खोलना बड़ा मुश्किल है, इतने अच्छे टेप। बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सेब, एप्पल,
ये कश्मीरी एप्पल है तो इसीलिए काफी अच्छे पैकेजिंग में दिया है इसको। तो यहाँ रख दिए हमने एप्पल, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये है कीवी। तो ये लॉन्ग कीवी है, इम्पोर्टेड कीवी है ये ग्रीन। तो एक ये रख दी है मैंने यहाँ पे, और यहाँ मंगवाया है मैंने इम्पोर्टेड ये है ड्रैगन फ्रूट का। कलर कितना अच्छा लग रहा है ना ड्रैगन फ्रूट का। तो ये अंदर से व्हाइट वाला निकलेगा, रेड वाला नहीं मंगवाया मैंने, व्हाइट वाला मंगवाया। और व्हाइट वाला बहुत कॉमन है, बहुत आराम से मिल जाएगा, रेड वाला थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। तो अभी मुझे व्हाइट वाला ही दिखा तो मैं ये वाला मंगवा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होता है ये। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये तो सब सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ साइड से मैंने मंगवाया है, यहाँ पे स्प्राउट्स मंगवाए हैं ये मैंने, ये 170 ग्राम्स हैं, मिक्स स्प्राउट्स हैं ये, है ना। और यहाँ मैंने मंगवाया है डार्क फैंटेसी, ये ऐसे ही विहान के लिए मंगवा लिया है मैंने। ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, इसे बचपन में हम बहुत खाते थे लिटिल हर्ट्स, तो मेरा मुझे दिखा तो मैंने मंगवा लिया ये। और अब है एक ही है बेचैनिया केक, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए बट कभी कभी खा सकते हैं इसे। तो ये है बेचैनिया केक, पाइनएप्पल फ्लेवर है इसका। तो ये है मेरा सारा आइटम, अब मैं इसको लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छे लग रहे हों मेरे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़िएगा, और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलती रहूँगी इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।